एक्टिव मोड में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का सातवां पाठ कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक से छः तक पाठ कर चुके हैं, जिसमें हमने 600 क्वेश्चन किए। आज ये पाठ सात है, स्टार्ट करते हैं। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? उत्तर पश्चिम। मोहिंदर प्रताप चंद्र किस भाषा के कवि हैं? उर्दू के। 29वें सूरजकुंड मेला 2015 का सहयोगी देश कौन सा था? लेबनान। लिबर्टी जूतों का कारखाना कहाँ है? करनाल में। बलवंत सहवाल का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से। हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1985 से। रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? फरीदाबाद, पलवल और मेवात में। फिल्म अभिनेता ओम पुरी का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में। बीरबल का रंगमहल कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से कहलाते हैं? जगाधरी और यमुनानगर। हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशन लाल भाट का जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में। सांग सम्राट कौन कहलाते हैं? पंडित लक्ष्मी चंद्र। आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन थी? कमला शर्मा। हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? मेवात में। लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और कौन सी? सिरसा और अम्बाला। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। कोरवी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली से। हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? सिरसा में। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने केवल 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? नरेंद्र कुमार रेवाड़ी के हैं। हरियाणा का कौन सा नगर हॉकी की नर्सरी कहलाता है? शाहबाद, मारकंडा। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? 1926 में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में। झज्जर में पहली स्नातक धर्म सभा का गठन कब हुआ? 1886 में। ओलंपिक की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले विकास कृष्ण और मनोज कृष्ण किस जिले के हैं? विकास भिवानी के हैं और मनोज कैथल के हैं। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? फरवरी 2016 में। हरियाणा में जय जवान आवास योजना के अंतर्गत कहाँ आवास बनाए जा रहे हैं? बहादुरगढ़ और करनाल में। लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? हिसार में। जहाज कोठी म्यूजियम कहाँ स्थित है? हिसार में। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? ताजेवाला से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस शासक ने बलिदान दिया था? नाहर सिंह ने। किस शासक ने 14वीं शताब्दी में पश्चिमी यमुना नहर सहित 5 अन्य नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। 1983 में स्थापित हुआ था। 200 मीटर दौड़ में उड़न सिख मिल्खा सिंह का वर्षों पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले धर्मवीर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रोहतक से। रियो ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में भाग लेने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस जिले से है? रोहतक से। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? दिलीप सिंह। भारत का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया जा रहा है? गुड़गांव, जिसके अंतर्गत 2017 के अंत तक शहर में 24 घंटे बिजली सप्लाई करके जनरेटर मुक्त किया जाएगा। हरियाणा का राज्य साइबर क्राइम ब्रांच कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने U20 जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नीरज चोपड़ा ने। अरावली पहाड़ी की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी 656 मीटर की स्थान पर है? कुलताजपुर, महेंद्रगढ़ में। किस भौगोलिक संरचना को स्थानीय भाषा में घर कहते हैं? गिरिपाद मैदान। हरियाणा का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? रेवाड़ी। हरियाणा में प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1968 में। कौन सा त्यौहार सैलोने के नाम से भी जाना जाता है? रक्षाबंधन। किस जिले की सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है? सिरसा की। साक्षी मलिक ने किस खेल में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? महिलाओं की 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। किस जिले की सीमा राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? मेवात की। हरियाणा की किस जिलों की सीमा दिल्ली में लगती है? सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। किस नगर में भगवान श्री राम ने राम के भाई बलवान बलराम की ससुराल थी? रेवाड़ी में। किन जिलों के क्षेत्र लेकर रेवाड़ी जिले का 1 नवंबर 1989 को गठन किया गया था? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक। प्रसिद्ध सारंगी वादक कल्लन खां कहाँ से थे? गुड़िया नहीं, जिला रेवाड़ी से। चंडीगढ़ स्थित रोज गार्डन का नामकरण किसके नाम से किया गया? जाकिर हुसैन। हादी ये हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेख मोहम्मद। सलारगंज गेट किस स्थान पर है? पानीपत में। रोहतक में जन्मे बनारसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उद्धृत कथानक। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा?
जयनारायण कौशिक ने। अद खिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? बालमुकुंद गुप्त की। महाभारत काल में कौन सा नगर पांडुप्रस्थ कहलाता था? पानीपत। बुआ वाला तालाब कहाँ स्थित है? जिधर में। हरियाणा का कौन सा गांव भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बन गया है? गुमथाला गडू कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के 2004 से 2009 तक राज्यपाल रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? श्री AR किदवई। हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ और कब आयोजित होगा? 1 नवंबर 2016 को गुड़गांव में हो चुका है। हरियाणा का राज्य अभिलेखागार कब स्थापित किया गया था? 1975 में चंडीगढ़ में, जो पंचकुला में है। हरियाणा व रिफाई आम समाचार पत्र किसने झज्जर से निकाले थे? पंडित दीनदयालु वाचस्पति ने। तारीख ए फिरोजशाही का लेखक जियाउद्दीन बरनी कहाँ का रहने वाला था? कैथल का। ठाकुर फेरू जिसने संतनत काल में 7 ग्रंथों की रचना की कहाँ का रहने वाला था? दादरी के पास किनाना का। योद्धाओं की राजधानी कहाँ मानी जाती है? भिवानी के पास प्रकृतनाक नगर। योद्धाओं का प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? कार्तिकेय को। अग्रो की राजधानी कौन सी थी? अग्रोहा। हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ स्थित है? नूह मेवात में। पुष्य भूति काल में हरियाणा क्षेत्र किस स्थान से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से। हुण हरण केसरी की कौन कौन कहलाता है? प्रभाकर वर्धन। कौन सा शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद सभा आयोजित कर अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। कराई पिथोरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान। किस जाट नेता को अपने युग का प्लेटो कहा जाता है? सूरजमल को। औरंगजेब के समय जाट प्रतिरोध का किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? गोकुल जाट। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने। हिसार में जहाज कोठी का निर्माण किसने करवाया था? जॉर्ज थॉमस ने। हरियाणा में आर्य समाज द्वारा प्रथम गुरुकुल कहाँ स्थापित किया गया? 1911 में कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। हरियाणा में जाट गुरु के नाम से कौन जाते जाने जाते हैं? पंडित भरमानंद। हरियाणा में प्रथम रेलवे लाइन कौन सी और कब बनी? 1862 से 1863 में दिल्ली रेवाड़ी सर। खेर एदेश समाचार पत्र 1889 में कहाँ से निकाला गया? अम्बाड़ा में। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? चौधरी छोटेराम ने। अक्टूबर 1920 में प्रथम अम्बाला डिवीजनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? भिवानी में, जिसमें गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को शैतान सरकार कहा था। समस्त उत्तर पश्चिमी भारत में राष्ट्रपिता की पितामह कौन कहलाते हैं? लाला मुरलीधर। हरियाणा के होम रूल आंदोलन के कौन से नेता 1918 में दिल्ली में गिरफ्तार हुए? पंडित ने किनाम शर्मा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरियाणा में गदर पार्टी की प्रथम नेता कौन थे, जिन्हें 1915 में फांसी दी गई? अम्बाड़ा के काशीराम जोशी। जनरतन समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? अम्बाड़ा से। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पंजाब के किन दो नेताओं को वर्मा में निर्वासित कर दिया गया था? लाल लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को। चंद्र बरदाई ने हरियाणा के किस नगर को सरस्वती लिखा है? सिरसा। मध्य काल में हरियाणा का कौन सा नगर भाले और तलवार के लिए प्रसिद्ध था? सोनीपत। रियासत को भारत में मिला दो कानार किस रियासत में लगा? 1945 में लोहारू रियासत में। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सीसिया सिसाई हिसार में। हरियाणा के स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। 200 एकड़ में राष्ट्रीय पशुवन अनुदान केंद्र हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1986 में। लाला जीतू राय द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 2010 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।